नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व की। फ्लो कंट्रोल वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्टर एंड वन वे रेस्ट्रिक्टर। नंबर दो पे आप देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड चेक वाल्व। नंबर तीन पे डिसलरेशन वाल्व एंड चेक वाल्व। नंबर चार पे फीड कंट्रोल वाल्व। नंबर पाँच पे पायलट ऑपरेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड चेक वाल्व। दोस्तों, आज हम इन पांच में से एक प्रकार के बारे में आपको बताएंगे, रेस्ट्रिक्टर एंड वन वे रेस्ट्रिक्टर्स। दोस्तों, रेस्ट्रिक्टर्स यानी ओरिफिस, आम भाषा में हम ओरिफिस भी बोलते हैं उसको। ओरिफिस करता क्या है या फ्लो कंट्रोल वाल्व करता क्या है? फ्लो कंट्रोल वाल्व यानी हमारे फ्लो रेट को कम करता है, या जो फ्लो रेट हमें मिल रहा है सिस्टम से उसको हमें कम करना हो तो उस जगह हम रेस्ट्रिक्टर लगा देते हैं या ओरिफिस लगा देते हैं। दोस्तों, रेस्ट्रिक्टर जो होता है वो फिक्स्ड और वेरिएबल रेस्ट्रिक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। तीसरा वन वे रेस्ट्रिक्टर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फिक्स्ड रेस्ट्रिक्टर की या फिक्स्ड ओरिफिस की। दोस्तों, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये किसी जैसे कि लॉजिक कंट्रोल वाल्व जो हमारा होता है उसके अंदर एक पपेट एंड स्लीव होता है। पपेट को ऑपरेट करवाने के लिए यानी स्मूथली ऑपरेट करवाने के लिए इसको यूज करते हैं। किसी भी ऑपरेशन को स्मूथली अगर हमें करना हो तब हम ओरिफिस का यूज करते हैं। दोस्तों, ओरिफिस कैसा होता है? आप लोगों ने गर्भ स्क्रू देखा होगा, एक छोटा सा बोल्ट होता है या स्क्रू होता है, उस स्क्रू के अंदर से एक होल होता है, जैसे कि इस टाइप से यहाँ पे होल होता है और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये बीच से होल बना होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे चूड़ी होती है इसमें, तो जो ऑयल चलने का रास्ता जो होता है उसके बीच में अगर हम ये डाल देंगे तो जो उस पाइप या ट्यूब के अंदर से ऑयल आपका 5 LPM यानी 5 लीटर पर मिनट जा रहा था, वो ऑयल जो है अगर हम 0.1, 0.8 mm, 1 mm या 1.5 mm का अगर लगा देंगे बीच में, 10 mm की ट्यूब है उसमें ये डाल दिया या 5 mm की ट्यूब है उस होल के अंदर ये डाल दिया, तो वो LPM को कम कर देगा। बट वो LPM जितना फ्लो रेट जो होगा वो फिक्स होगा, यानी वो फ्लो जो है हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जितने काम ये लगाएंगे उतना ही देगा। अभी ऑयल का फ्लो जो है कम करके उतना ही देगा, तो इसलिए इसको फिक्स्ड रेस्ट्रिक्टर या फिक्स्ड ओरिफिस बोलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेरिएबल या एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर। दोस्तों, ये जो ओरिफिस होता है ये कैसा होता है? ये एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके इंटरनल यहां पे चूड़ी कटी होती है और एक उसके अंदर ऐसा डमी जैसा लगा रहता है। दोस्तों, ये कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है कि एक बीच में ऐसे एक शंकुनुमा कोण जैसा एक स्पूल लगा रहता है और इधर से जो मेरा ये एडजस्ट करने के लिए जो पॉइंट है इसके अंदर से अगर ऑयल का एंट्री हो रहा है तो क्या होगा कि ऑयल आपका, मैं आप लोगों को रेड पेन से दिखाता हूं, यहां से ऑयल एंट्री किया, यहां से हो करके और ऐसे आपका ऑयल जो है यहां से निकल जाएगा बाहर। तो होगा क्या, जितना हमने फिक्स किया है इसको, जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे, एक बार दोबारा बताता हूं आप लोगों को, जितना हम इसको टाइट करेंगे उतना ही कम होगा। जैसे कि ये मेरा शंकुनुमा ये है और इधर से मैंने और ये एक ट्यूब है
जो इसके अंदर चूड़ी से अब क्या होगा कि जब आपका ऑयल यहां से एंट्री करेगा तो यहां से होते हुए और ऐसे आपका ऑयल इसके पास से ऐसे निकलेगा। अब आप जिसको जितना टाइट करते जाएंगे उतना ये वाला एरिया जो आपका कम होता चला जाएगा, कम होता हुआ जाएगा, तो क्या होगा कि फ्लो भी कम होता चला जाएगा, तो जो आपका एलपीएम घटता रहेगा। और अगर आप जहां इसको सेट करके छोड़ देंगे उतने एलपीएम आपको आगे देता रहेगा, इसलिए इसको एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे वन वे रेस्ट्रिक्टर की, यानी वन वे ओरिफिस या वन वे रेस्ट्रिक्टर की। इसमें क्या होता है, सेम ऐसे ट्यूब टाइप में ही रहता है जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसी ट्यूब होती है। और उसके बीच में ऐसे स्टेप बना होता है और यहां पे एक कटोरी नुमा वाशर होता है, उसके सेंटर से होल होता है, यानी ये आपका सेंटर से होल हो गया। अभी क्या है कि आपका जो ऑयल आ रहा है वो इधर से आ रहा है तो इस साइड में निकलेगा, वो इसके अंदर से होके निकलेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये वाशर इसके ऊपर लॉक कर देगा, तो ऑयल जितना निकलेगा वो इस एरिया में से ही निकलेगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये वन साइड से क्या होगा कि फिक्स हो गया, वन साइड से इस ओर में से निकलेगा। अब ये जो कटोरी होती इधर से अगर ऑयल आएगा, मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं फ्लो का, तो इधर से जो निकलेगा वो क्या होगा कि यहां पे इस टाइप से ये लगा हुआ है, तो इधर से आते टाइम क्या होगा कि जो ये कटोरी है ये इस टाइप की कटोरी होती है, इसमें यहां सेंटर में होल हो गया और यहां पे एक कट लगा होता है ऐसे, और इधर एक कट, यानी अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आप लोगों को, कटोरी नुमा वाशर होता है ये, ऐसे करके ऐसे, और सेंटर में हो एक होल हो गया ऐसे। तो जो आपका ऑयल आ रहा है इधर से आते टाइम वो यहां से भी आ रहा है सेंटर से, और ये जो है इसके अंदर से भी घूम के और इधर से भी निकल जाएगा। तो यानी जो तीन रास्ते उसको मिल जाएंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक सेंटर से, यानी ये जो तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते से ऑयल जाएगा तो ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा तो यानी वन साइड में वो फ्री चलेगा, वन साइड में ऑयल फ्लो कम कर देगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा, एक साइड में फ्लो रेट कम है एक साइड में ज्यादा है, इसलिए उसको वन वे रेस्ट्रिक्टर या वन वे ओरिफिस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा आपको था रेस्ट्रिक्टर एंड वन वे रेस्ट्रिक्टर के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड चेक वाल्व की, वो कहाँ पे यूज होते हैं वो बताया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और जरूरी सूचना दे दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।